एवरीवन, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसी न्यूज। आज है बॉलीवुड में हॉरर क्वीन कहलाए जाने वाली एक्ट्रेस बिपाशा बसु का हैप्पी वाला बर्थडे। जी हां, इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने हस्बैंड करण ग्रोवर के साथ एक बहुत ही क्यूट सा वीडियो भी शेयर किया है। बहरहाल, इस मौके पर हम आपको बताते हैं बिपाशा बसु के बारे में कुछ बात। बिपाशा बसु एक बंगाली परिवार में पैदा हुई थी और तब उनकी पूरी फैमिली कोलकाता में बेस्ड थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी मॉडलिंग से और साथ में फिर मॉडलिंग में नाम कमा के, खूब शोहरत कमा के उन्होंने रुख किया बॉलीवुड की तरफ और साल 2001 में रिलीज हुई उनकी पहली मूवी अजनबी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। लोगों का कहना है कि बिपाशा बसु बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको बॉलीवुड में टैग्स मिले हैं बोल्ड एक्ट्रेस, सेक्सी दिखने के और ऐसे कई टैग्स। तो इस मामले में बिपाशा बसु कहती हैं कि उन्हें हमेशा से ही कुछ हटके करना था, अपने दम पर कुछ करना था, इसलिए उन्होंने चूज की कुछ हॉरर मूवीज जो उनकी काफी हिट हुई। इनको देखने के बाद ऑडियंस को काफी मजा आया, उनका कैरेक्टर काफी पसंद भी किया गया। बिपाशा बसु के करियर की एक बेहद खास मूवी रही थी राज, जिसमें वो अपने को स्टार डीनो मौर्या के साथ लिंक की गई थी। काफी टाइम पर रिलेशनशिप में भी रही थी और ये एलिजेड अफेयर उनका काफी टाइम तक चर्चा में रहा था। बिपाशा बसु मानती हैं कि शादी एक इंसान की जिंदगी का बेहद खूबसूरत पहलू होता है, बेहद खूबसूरत एस्पेक्ट होता है, जिसके लिए उन्हें स्पेशल पर्सन की तलाश होती है और उनकी ये तलाश पूरी हुई करण सिंह ग्रोवर के साथ। बिपाशा बसु की जिंदगी का एक और अहम पहलू रहे जॉन अब्राहम, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप रहा करीब 9 साल का। जॉन अब्राहम के साथ अपनी रिलेशनशिप के लिए वो काफी चर्चा में आई थी। उन्होंने काफी मूवीज एक दूसरे के साथ की हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप टूट गया और साथ ही बिपाशा का दिल भी, जब जॉन अब्राहम ने 2015 में अपनी बैंकर गर्लफ्रेंड प्रियंका के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद बिपाशा बसु का नाम हरमन बावेजा के साथ भी जोड़े जाने लगा, लेकिन जब तक ये खबरें आग पकड़ती तब तक ये महज अफवाह बन के गायब हो गई। लेकिन अब उनके हस्बैंड हैं ओसो वंडरफुल करण सिंह ग्रोवर। बिपाशा बसु एक फिटनेस फ्रीक हैं, वो अक्सर अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ वर्कआउट्स में दिखाई देती हैं। वेकेशंस की हुई पोस्ट उनके सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही बिपाशा बसु ने इंडस्ट्री में ये साबित कर दिया कि सिर्फ गोरा रंग ही सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं होता है। बिपाशा बसु सांवले रंग की हैं, इस वजह से उन्हें शुरू में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड में एक खासा पहचान दिलाई। सिनेमा से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए पीसी न्यूज़।